ये वास्तु है क्या चीज? एक मिथ है, एक गुमराह करने वाला साइंस है, या एक सूडो साइंस है? क्या है ये वास्तु? क्या वास्तु के नाम पे लोगों को ठगा जाता है? क्या वास्तु लोगों को डराने वाली चीज है, कोई मिथ है? अलग अलग लोग अलग अलग धारणा वास्तु को लेकर बना के रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी। आज वास्तु को लेके एक कॉमन मैन, जो एक यूथ जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, जो टेक की बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करते हैं, जो लाइफस्टाइल से लेके बात करते हैं, वास्तु क्या होता है, वास्तु का प्रभाव क्या है और वास्तु का बेसिक पर्पस क्या है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जिन लोगों को सिर्फ बेसिक में समझना है कि वास्तु आपके ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट ला सकता है, आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ये तो हमारे शास्त्र और हम सब जानते हैं। और ये जो नेचर भी है, ये भी ये 5 तत्वों का ही है। एक मैन में, एक ह्यूमन बीइंग में, एक प्राणी में और एक नेचर में, दोनों में एक आपसी हारमोनी रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर बेसिकली आपको एक खुला मैदान देता है या एक खुला एरिया देता है, और हम और आप उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से या तो घर, या तो ऑफिस, या तो मकान, या तो कोई ना कोई और तरीके का कंस्ट्रक्शन करके उसे अपनी सुविधा के लिए हम बनाते हैं। जब आप नेचर को, नेचर के जो डायरेक्शंस हैं, वो डायरेक्शंस को जब आप वॉल से ब्लॉक करते हैं, जब भी ज़मीन में आप खुदाई करते हैं और ज़मीन के तय से लेके आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपके ये जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे वास्तु का रोल आता है। प्रकृति ने जैसे हमें ये 5 एलिमेंट्स के साथ में आपका एक सिंक्रोनाइजेशन या एक तालमेल बनाया है, वैसा ही तालमेल आपके घर या जहाँ पे आप मैक्सिमम समय रहते हैं या जहाँ से आपका रोजी, जहाँ पे आपका काम होता है, वो वहाँ पे वो 5 तत्वों का बैलेंस रहना आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बहुत तरीके हैं और ये तरीके जो है वास्तु में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप कुछ ऐसी तरीकों के मदद से या आप कुछ ऐसी रेमेडियल मेजर्स से आपके एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस एनर्जी आदमी को प्रोग्रेसिव बनाती है, आदमी को ग्रोथ दिलाती है, और जहाँ पे वही एनर्जी डिस्टर्ब हुई आपकी लाइफ में, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। आपके फैमिली में हेल्थ इश्यूज़, पैसों की तंगी और बहुत तरीके की और समस्याएं खड़ी कर सकती है। तो ये सब्जेक्ट को आप हल्के में न लें, वास्तु को आप गहराई से समझें, और साथ में वास्तु की तरफ आपका अप्रोच एक पॉजिटिव अप्रोच रहना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, वहीं से ही सोर्स ऑफ एनर्जीज डेवलप होती है। अब यदि डायरेक्शंस की बात करें तो 8 प्राइमरी डायरेक्शंस हैं वास्तु में, खास करके बेसिकली ध्यान रखने के लिए। पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जो एक जल तत्व डायरेक्शन है, जहाँ पे वाटर एलिमेंट प्राइमरीली, वो डायरेक्शन वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमेशा लाइटेस्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा डाउन रहना चाहिए, और जितना ओपन आप आपके नॉर्थ ईस्ट को रखेंगे, उतना आप वाटर एलिमेंट की पॉजिटिविटी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वहीं हम बात करते हैं फिर दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन फिर वायु का स्थान है। नॉर्थ डायरेक्शन आपको एयर रिलेटेड एनर्जी देता है, जहाँ से आपका वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में जो स्पेस आपका डायरेक्शन का आता है, वो आपको फुल ऑफ वेंटिलेशन रखना चाहिए। उसे जितना ओपन रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। यूजुअली आपके घर का जो एंट्रेंस है या आपके वर्किंग प्लेस का भी अगर एंट्रेंस को देखें, तो नॉर्थ ईस्ट सबसे शुभ एंट्रेंस माना जाता है। फिर नॉर्थ से लेके वेस्ट की बात करें तो वो फिर एयर एलिमेंट है। ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में क्योंकि हवा एयर एलिमेंट की बात हो रही है, तो स्थिरता ये डायरेक्शन में नहीं रहती है। तो जो भी चेंजेबल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी जिसका भी नेचर बहुत फास्ट चेंज होने का है, वो डायरेक्शन वैसी क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब करता है। नॉर्थ और वेस्ट का जो डायरेक्शन है, वहाँ पे वॉशरूम का प्लेसमेंट ठीक है। आपका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो डायरेक्शन से निकाल दिए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एयर एलिमेंट है तो जो भी एनर्जीज हैं, जो
एयर रिलेटेड एनर्जीज है वहाँ से आप रिलीज कर सकते हैं। फिर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो आपके रूम रहता है वो यूजुअली आप एज अ गेस्ट रूम यूज़ करिए, क्योंकि गेस्ट लंबा ठहरते नहीं हैं, वो आते हैं और जाते हैं। या फिर आपके घर में ऐसी कोई कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनका रिश्ता करना चाहते हैं, वैसी लड़कियों को आप वहाँ पर रूम दीजिए तो शादी के संबंध या शादी होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। फिर चलते हैं वेस्ट से टूवर्ड्स द साउथ, जहाँ पे आप अर्थ एलिमेंट पे आते हैं। ये अर्थ एलिमेंट जो है यहाँ पे आप मैक्सिमम वेट रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेबिलिटी की एक्टिविटीज़ है वो वहाँ अर्थ एलिमेंट से होनी चाहिए। आपके घर में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो एक मास्टर बेडरूम के लिए बहुत सूटेबल है, और वहाँ पे आप ये देखिए कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, जो आप चाहते हैं कि वहाँ पे रहे हमेशा, वो चीज़ों का वास आप वहाँ पे रखिए, वो चीज़ों को आप वहाँ पे प्लेस करिए। जैसे आपका लॉकर है, कुछ ऐसे गहने हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा बने रहें, या आप कुछ ऐसी वेल्थ है जिसे आप वहाँ पे हमेशा रखना चाहते हैं, जैसे आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, तो वैसी डॉक्यूमेंट्स या वैसी चीज़ों को आप आपकी तिजोरी को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में एक फर्मनेस आती है क्योंकि वो डायरेक्शन अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो घर का जो डिसीजन मेकर है, जो बेसिकली मास्टर बेडरूम ओन करता है, इसीलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक मास्टर बेडरूम के लिए आइडियल प्लेस है। हाँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप ये ध्यान रखिए कि कहीं पे भी वाटर एलिमेंट या एयर एलिमेंट मिनिमम रहना चाहिए। इसीलिए साउथ वेस्ट के जो वॉल्स हैं उसे भी आप मैक्सिमम पूरी तरह से कवर्ड रखिए, उसकी ओपनिंग्स को आप मिनिमम रखिए, और वहाँ पे आप डार्कर शेड्स का यूज़ करिए कंपेयर टू द अदर डायरेक्शंस। फिर साउथ से ईस्ट की तरफ अगर अपन जाएं तो वो फिर अग्नि स्थान कहलाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो आइडियली एक किचन के लिए अच्छा है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका आगमन या उसका सोर्स साउथ ईस्ट से रहना चाहिए। जैसे आप खाना बनाते हैं तो डेफिनेटली गर्म करते हैं, गैस जलती है, या आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप रखिए उसे, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एनर्जी को दर्शाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी दर्शाती है। कलर्स में देखा जाए तो रेड कलर, सिल्वर कलर, ये ऐसे कलर्स हैं जिसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रोमिनेंटली यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली सबसे हल्का डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन कोई भी जगह सबसे शुभ डायरेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से सनराइज़ होता है। सनराइज़ का मतलब है एक नई आशा, नई उम्मीद, एक ज़िंदगी में कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज़ ईस्ट डायरेक्शन से दरवाज़ा खटखटाती है। इसीलिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी एंट्रेंस है तो उसे शुभ मानी जाती है। और एक और बात, यदि आपके घर में बच्चे हैं जो बहुत शरारती हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं आपकी बात, तो और आप परेशान रहते हैं कि क्या करें हम ऐसे बच्चे का, तो आप ये कोशिश करिए कि आपके बच्चे का अगर रूम नॉर्थ वेस्ट में है या वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसे आप शिफ्ट करिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। आपके बच्चों का जो सर रहना चाहिए सोते वक्त वो ईस्ट की तरफ रहना चाहिए, और ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जीज मैक्सिमम आपके बच्चों को आप एब्जॉर्ब कराइए। जब रात में वो सोते हैं तो उनका माथा अगर ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा, उनका सर अगर ईस्ट में रहेगा, तो उनके माइंड में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, ठहराव, एक विजडम डेवलप होगा। सुबह सनराइज के समय अर्ली मॉर्निंग का जो सन रहता है, थोड़ा सा सन बात आप आपके बच्चों को कराइए। सूर्य को अगर अर्घ दे सके तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देते हैं तो थोड़ा सनरेज अर्ली मॉर्निंग की, जो इट्स बिटवीन 7 to 9 के बीच में या 6 to 9 के बीच में जो राइजिंग सन की जो सनरेज हैं, वो आपके बच्चे को आप वो सनरेज का बात कराइए, नहलाइए वो सनरेज में, मतलब वो सनरेज उनकी बॉडी पे आप 5 to 10 मिनट तक गिरने दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे आपके बच्चे के नेचर में परिवर्तन, पॉजिटिवली डेवलप होना चालू हो जाएगी। ये एक बेसिक आइडिया आपको मैंने वास्तु का दिया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको सारे एलिमेंट्स परफेक्टली मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आप जैसे सोचते हैं वो डायरेक्शंस के हिसाब से मिले। तो उसके काफ़ी रेमेडीज़ भी हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको कंस्ट्रक्शन तोड़वाना पड़े या ये दीवार यहाँ से उठा के वहाँ पर डालनी पड़े, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे काफ़ी रेमेडीज़ हैं जो वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो रॉन्ग डायरेक्शंस की वजह से है उसे वो मिनिमाइज़ कर सकती है, और जहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज आनी है उसे वो बढ़ा सकती है। आप जो भी कमाते हैं
जो भी जिंदगी में उपभोग करते हैं या जो भी आप जिंदगी में अचीव करते हैं वो सब ये नेचर के द्वारा ही करते हैं। यही ज़मीन पे रह के आप वो सारी चीज़ें अचीव करते हैं और फाइनली यहीं पे छोड़ के जाते हैं। सारी चीज़ें ये पंच तत्वों पे ही आती है और ये पंच तत्वों पे ही विलीन हो जाती है। तो जब भी आप एंटी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेसिकली देखा जाए तो एक एंटी नेचर एक्टिविटी है, नेचर आपको कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं देता है, लेकिन हम हमारी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि हमें सर्दी में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बारिश में हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो डेफिनेटली मकान या ऑफिस हम हमारी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। और वहाँ पे ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं इसको नेचुरली बैलेंस करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो जल तत्व है, वहाँ पे दैट इज़ अ वाटर एलिमेंट, वही नॉर्थ है वायु एलिमेंट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वायु एलिमेंट है, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, आपका जो ब्रह्म स्थान है वो स्पेस एलिमेंट है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको आपको लाइफ में बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी आप आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी और एक बैलेंस देखेंगे, आपके जीवन में आप हैप्पीनेस देखेंगे। इसलिए दोस्तों वास्तु को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, वास्तु एक बहुत ही स्ट्रांग साइंस है और फंडामेंटली वास्तु को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तु के नाम पर, ये बात सच है कि वास्तु के नाम पर काफ़ी लोग गुमराह भी करते हैं और वास्तु को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि एक कॉमन आदमी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वास्तु एक सिंपल साइंस है, लेकिन वो सिंपल साइंस में भी काफ़ी कैलकुलेशंस हैं, काफ़ी बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो सही तरीके से अगर होती है तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी, एक खुशहाल ज़िंदगी आपको देती है। इसी के साथ ये वीडियो को मैं अंत करता हूँ और आगे मैं वास्तु के बारे में और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों से शेयर करिए, उनसे खास करके जो वास्तु को विश्वास या वास्तु पर बिलीव नहीं करते। धन्यवाद।